मैं लंदन ब्रिज इंग्लैंड के एक पाकिस्तानी यूथ वर्कर की डायरी के कुछ पन्ने सुनाऊंगा, उसके लिखे पन्ने को हंसी का थोड़ा तड़का लगाऊंगा, आपको स्टार्टिंग में हंसाऊंगा और हमेशा की तरह एंड में एक अकल की बात भी पल्ले पाऊंगा। इंग्लैंड में उसकी डायरी का है लेकिन वो मसाला लगा के मैंने कैसे बनाई है उस चीज को। इंग्लैंड में कुछ एक कच्ची उम्र के लड़के, ध्यान से सुनना, मैं हर लड़के की बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लैंड में कुछ एक कच्ची उम्र के लड़के पक्की पक्की उम्र की गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं। इंग्लैंड में कुछ एक कच्ची उम्र के लड़के पक्की पक्की उम्र की गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं। आस्क देम व्हाई टू माइंड योर ओन बिजनेस का वही रटा रटाया डायलॉग सुनाते हैं। और कुछ तो ऐसे ऐसे रीजन बताते हैं कि हम टीवी पे उनको बोलते हुए बहुत शर्माते हैं। वो अपनी उन पक्कड़ उम्र की गर्लफ्रेंड्स को हर रोज नए नए रेस्टोरेंट्स में खाना और डिस्कोथेक में अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। इन ब्रीफ बोलूं तो वो जवानी में पूरी ऐश उड़ाते हैं। वंस और ट्वाइस पेरेंट्स के संग कभी कभी इंडिया भी हो आते हैं। पेरेंट्स को छोड़ पंजाब में सस्ते सूटे की तलाश में कुल्लू और मनाली में डेरा जमाते हैं। कभी पढ़ाई कभी कैरियर का बहाना लगा के जल्दी शादी नहीं करवाते हैं। पेरेंट्स जब किसी लड़की को दिखाएं तो उसमें 36 नुक्स निकाल कर दिखाते हैं। पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, इस गाने की धुन पर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों की हर बात छुपा जाते हैं और फिर धीरे धीरे कच्ची उम्र के ये लड़के, ये चेंज हो रहा है, धीरे धीरे कच्ची उम्र के ये लड़के फिर पक्कड़ से हो जाते हैं। पहले ये करते थे हर लड़की को नापसंद और अब ये खुद किसी लड़की को पसंद नहीं आते हैं। ऐसे ही 45 साल के एक लड़के को, अब लड़का कहते हुए मुझे शर्म आती है, लाइन थोड़ी चेंज करता हूं, ऐसे ही 45 साल के एक बंदे को जब इंग्लैंड में किसी ने घास नहीं डाला था, निराश होकर उसने इंडिया की न्यूज़पेपर में अपना मैट्रिमोनियल का एड निकाला था। एक लड़की की फोटो करके पसंद, उसने लड़की के घर का जाके दरवाजा खटखटाया। लड़की की मां ने जैसे ही दरवाजा खोला, लड़की की मां को देख के उसको ऐसा चक्कर आया। बेटी ने अपनी मां के मुंह में थोड़ा पानी डाला और होश आते ही मां ने यह फरमाया, इस कुत्ते को निकालो घर से जल्दी बाहर, यह 20 साल पहले मुझे भी था देखने आया। ये जोक बहुत पुराना है, मैं कॉलेज के लाइफ में दिनों में सुनाया करता था लेकिन मुझे भूल ही चुका था। अभी किसी क्लब में मैंने एक सिंगर को, ये उन सिंगर्स को मैं लेके आऊंगा होपफुली विद इन अ वीक और सो, दे आर टू बिजी, उनका शेड्यूल बहुत बिजी है, उनको मैं लेके आऊंगा। वो गाना गा रहे थे शो के ऊपर, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, और इस कविता को जब निचोड़ किया जाए तो उस गाने को मैं चेंज करके कैसे गाऊंगा, दूल्हे का चेहरा पुराना लगता है। मां की तरफ से गाना गाया जा रहा है, दूल्हे का चेहरा पुराना लगता है, सन की पागल या दीवाना लगता है। पल भर में बदल देता ये हमारे रिश्ते, इनका ये कैसा घराना लगता है।